हेलो फ्रेंड्स, इजी टू ग्रो गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं घिया के बारे में। घिया यानी लौकी के बारे में कि लौकी आप किस तरह लगाएं और कैसे उसमें से ढेर सारा लौकी पाएं। तो मैं लगा रखी हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी देखो, ये सुंदर सुंदर फूल दिखा रही हूँ मैं आपको। ये कितना खूबसूरत फूल है ना, ये देखो। और देखो इधर के साइड ढेर सारे मेरे लगे पड़े हैं, ये देखो। देखो दिख रहा है ना कितना सारा फूल है, बहुत अच्छा फूल आ रहा है। तो ऐसे ही आप भी लगा लिया करो। देखो ढेरों फूल इसमें आता है, इसका नाम कोस्कोम है, यानी ये मुर्गा के कलगी की तरह इसमें से देखो ये घूम घूम के आ रहा है। कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये देखो अपराजिता है, ये मैं लंबे टाइम से आपको दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा है। ये देखो छोटे से गमले में लगा हुआ है, ये बालकनी वालों के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे छोटे में लगा लो, अपराजिता जरूरी नहीं बहुत बड़े गमले में लगाओ, आप छोटे में भी लगा लो। सुबह के टाइम ढेर सारा फूल इसमें आता है, अभी तो शाम हो रहा है। और देखो यहाँ पे देखो मधुमक्खी छत्ता लगा रखा है। ये देखो जब हम फूल लगाते हैं ना तो हमारे छत पे ये खुद ही आ जाते हैं। ये देखो कितने अच्छे तरीके से लगा पड़ा है ना, देखो। तो मैं एक गमला, पहले यहाँ ढेर सारा गमला रखा हुआ था कोस्कोम का, पहले का वीडियो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ढेर सारा यहाँ पे मैं इसी कोस्कोम का गमला रख रखी थी। तो इनको जगह मिल गया यहाँ पे खूब अच्छा, तो इन्होंने यहीं पे छत्ता लगा लिया। हर साल लगाते हैं मेरे छत पे छत्ता, ये लोग हर साल सर्दी में आ जाते हैं। और देखो इसमें इसमें कितना सारा शहद है ना, पूरा शहद से ये भरा हुआ है। तो जब आप पौधा लगाओगे ना तो आपके छत पे जरूर ये मधुमक्खी कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगी। देखो कितने सारे हैं, ये देखो खूब अच्छा। ये गमला जो है हमारा समझ लो गया, इसी गमले के ऊपर लगा रखा है। गमला गिर गया, एक छोटा सा पोट गिर गया, काट लेंगे, मैं हट जाती हूँ। तो देखो ये देखो नट्रीशियम लगा हुआ है, इसमें भी खूब फ्लावरिंग होगा। ये मेरे पास कई गमलों में लगा हुआ है, ये मैं सीड से लगाई थी, बहुत सारे गमलों में लगा हुआ है। और ये फूल तो आप देख ही रहे हो, और इधर देखो सारे फूल खिल रहे हैं कितने अच्छे तरीके से। ये देखो हमारे गुड़हल में भी खूब फूल आ रहा है, ये देखो। तो ऐसे ही फूल लगा लिया करो, फूल के साथ साथ फल सब्जी भी लगाओ। तो मैं तो सब चीज लगा लेती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो ये है घिया का बेल, ये वाइन होता है। और ये देखो ऐसे वाइन होता है, तो ये चढ़ जाता है ऊपर। इसको लपेटने के लिए आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ेगा। देखो ऐसे ये मैं बांस लगा रखी हूँ, पहले देखो ये छोटा लगाई थी, फिर ये जब बड़ा हो गया तो अब मैं बहुत बड़ा सा लगा दी हूँ। ये देखो काफ़ी बड़ा है, ये काफ़ी बड़ा है। तो इसमें देखो कितने सारे लौकी आ रहे हैं, मैं पूरा वीडियो दिखाती हूँ, वीडियो पूरा देखा करो आप, पूरा अच्छा तरीके से समझाती हूँ। तो देखो ऐसे करके पहले फूल आएगा इसमें, और फूल के बाद ये देखो इसमें फल लगा हुआ है। ये देखो, ये देखो इसी के अंदर फल लगा हुआ है। और अगर फूल के अंदर फल नहीं लगा है तो समझ लो उसमें नहीं आएगा। देखो इसमें फल नहीं लगा है, यानी घिया नहीं लगा है, तो इसमें नहीं आएगा। देखो इस वाले में भी नहीं आएगा, ये सिर्फ ये देखो खाली फूल है, खाली फूल है, इसमें फल नहीं है, तो इसमें नहीं आएगा। और इसमें देखो आएगा। ये देखो ऊपर फूल है,
ये फूल है और नीचे फल है, तो यानी घिया है। तो घिया इस तरह से आता है, इसके लीव्स देखो ऐसे होते हैं। ये देखो, अगर आपने नहीं लगाया है तो नर्सरी से सीड लाओ और ले आके लगा लो। अब तो खैर नहीं लगेगा, लेकिन गर्मियों वाला लग जाएगा। अभी से लगाओगे तो गर्मियों में आपके ढेर सारे घिया खाने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे भी ये देखो लग रहा है, ये देखो यहाँ पे भी लगा हुआ है, ये देखो। फ्रेंड्स, कोई बनावटी वीडियो नहीं बनाती मैं, पूरी वीडियो देखा करो आप। जो मैं अपने छत पे लगाती हूँ वही दिखाती हूँ। जब मैंने इसमें सीड लगाया था तब भी मैंने इस पे वीडियो डाल रखा है। बारिश हुई थी ना, तो देखो इस पे धूल आ रहा है। ये देखो थोड़ी बारिश भी हुई थी यहाँ पे दिल्ली में। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें भी ये सिर्फ फूल आएगा, ये वाला इसमें फल नहीं आएगा। तो आपको मैं पहचान बता देती हूँ कैसे आता है। देखो ये देखो, इसमें फल आ रहा है, आगे फूल होता है, पीछे फल होता है। और अगर फल नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर फल नहीं आ रहा है तो दो चार गमले आपको फूल का रखना पड़ेगा अपने छत पे। जब आप फूल रखोगे तो उसमें क्या है, दूसरी जो होती हैं मधुमक्खी है, बर्रे है, और भी बहुत सारे मतलब होते हैं, तितली है, तो फूल पे बैठ के फिर हमारे जब इस वाले फूल पे बैठेगा ना, देखो इस पे, तो पोलिनेशन हो जाएगा, फिर फल आता है। और नहीं तो फल आपका नहीं आएगा, सिर्फ आपने घिया लगा रखा है तो आपके घिये में बिल्कुल फल नहीं आएगा। तो आप परेशान मत होना, दो एक गमला फूल का रख लेना। कुछ नहीं है तो घर में जो सरसों होता है ना, उस सरसों का सीड डाल दो गमले में, या धनिया का सीड डाल दो, या मेथी का सीड डाल दो। उनमें जो फूल आते हैं ना, वो फूलों पे ही मतलब मधुमक्खी या मतलब कि तितली कुछ भी आ सकती है। तो जब आएगी इन पे आके बैठ के, फिर इनको पोलिनेशन करके वो चली जाएगी, फिर आपका फल बन जाएगा, नहीं तो फल नहीं बनेगा। ये मैंने स्टिक लगा रखा है, ये पहले मैंने पौधा लगाया था इसमें, उसके बाद देखो ये मैंने स्टिक लगाया इसलिए इसको बांधने के लिए। देखो मैं बांध भी रखी हूँ, ये देखो, तो इसलिए इसमें डंडी दिख रहा होगा आपको, इसी गमले में लगा हुआ है। इसमें देखो ये मकोय है, मकोय भी बहुत अच्छा प्लांट है। अगर आप लगा लोगे तो शरीर में सूजन हो या लीवर में सूजन हो तो उसमें इसको खाते हैं, डॉक्टर का सलाह लेके आप खा लिया करो। क्योंकि हम गार्डनर हैं, हम पूरी तरीके से नहीं बता सकते हैं कि ये फ़ायदा करेगा या नहीं करेगा, मैं तो इसे खा लेती हूँ। इसमें ब्लैक कलर का फल आता है, देखो अभी ये फूल आ रहा है, तो मैं इसे तोड़ के खा लेती हूँ। रेड कलर के भी आता है, मेरे पास ब्लैक वाला है, रेड था दूसरी तरफ, अभी है नहीं है। तो घिया फ्रेंड्स ऐसी लगाया जाता है, घिया का सीड लगा के। और देखो थोड़ी सी मिट्टी डाली हूँ, आप देखो ध्यान से, ये देखो जरा सी मिट्टी है खाली, ये देखो मेरा इतना हाथ चला जा रहा है। आप सोचो जब मेरा इतना सारा हाथ इसके अंदर चला जा रहा है, तो थोड़ी सी तो मिट्टी है, थोड़ी सी मिट्टी डाल के मैंने लगा रखा है घिया को। और मेरा घिया देखो कितना अच्छा हो रहा है, ये देखो कितना ही अच्छा हो रहा है ना, ये बहुत लंबा हो रहा है। असल में हम इनसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए ये इतने अच्छे होते हैं। तो ये इनके लीव्स हैं, देखो कितने अच्छे हैं। देखो मेरा तो हाथ छुप गया, ये देखो पूरा छुप गया। तो बहुत अच्छा है, घिया जरूर लगाओ। और लगाओगे तो इसको या तो आप जाल बांध देना, जाल भी बांध देते हैं और उस पर चढ़ा देते हैं। तो मैंने तो इस तरीके से लगाया है, इस पे डंडी मैंने दो स्टिक ये लगा दी, पहले ये छोटा लगाई थी, इससे भी छोटा नीचे देखो है, ये लगाई थी, फिर मैंने ये स्टिक लगाई, उसके बाद फिर मैंने ये स्टिक लगा दिया। और लगा के फिर मैं लगा रखी हूँ, इसी में लिपटता रहेगा और फिर मेरा घिया लग जाएगा। और देखो घिया तो आ भी रहे हैं, कितनी खुशी होती है जब अपने हाथों से हम सीड लगाते हैं और उसमें से जब फल निकलता है तो मन खुश हो जाता है कि वाह कितना अच्छा फल आया है। और फिर ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक लगाओ।
ऑर्गेनिक में बहुत फ़ायदे हैं, खरीद के हम लाते हैं, जाने वो कैसा कैसा होता है। देखो एक ही जगह पे दो है, ये रहा। एक घर की सब्जी के लिए हम अपने छत पे आसानी से सब्जी उगा सकते हैं, खूब आसानी से उगा सकते हैं अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लें। हमें क्या करना है, हमें गमले में लगा देना है, लगा के स्टिक लगा के इसको चढ़ा देना है। अगर गमला भी नहीं है आपके पास फ्रेंड्स, तो पहले की वीडियो मेरा देखना, मैंने करेला लगा रखा था कट्टे में यानी बोरी में, तो बोरी में भी आप लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास गमला हो तभी लगाओगे। चावल और आटे का कट्टा जो आता है बोरी, उसके अंदर मिट्टी भरो और मिट्टी को अच्छा से बना लो पहले, उसमें गोबर खाद मिला लो और उसमें थोड़ा सा बदरपुर मिला लो और मिला के मिक्स करके और उसके ऊपर से लेयर बना के कट्टे के ऊपर, बोरी के ऊपर, और फिर सीड लगा दो। सीड इतने ही गहरी में लगाना और फिर उसको ढक दो और फिर उसमें पानी का छिड़काव करते रहो। आपका इसी तरीके से घिया तैयार हो जाएगा। अगर अपने घर का घिया आप खाओगे, पिछले साल भी घिया मेरे खूब अच्छा लगा हुआ था, वीडियो मैंने डाल रखा है वो, जब तो मैंने छोटी सी उसमें बोरी में ही लगाया था कट्टे में, अब की पारी मैंने गमले में लगा दिया है। ये देखो इसमें लगा रखी हूँ। तो ये कितनी अच्छी बात है ना कि घर का घिया आपको मिलेगा खाने को, और देखो कितना अच्छा ग्रोथ है। ग्रोथ कैसा लगा फ्रेंड्स, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में लिख के। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, पढ़ के दिल खुश हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे अगर नए हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं न्यू जानकारी लाती रहती हूँ। आप मेरा कोई भी वीडियो देख लो, आप उसमें देखना, हर एक में न्यू मतलब कि जानकारी होगी। अब देखो सेम के बारे में भी मैंने डाल रखा है कि सेम कैसे ज़्यादा फल देगा, यानी सेम कैसे लगेगा। तो इसी तरीके से इसमें भी मैं फल लूँगी खूब सारा। और देखो मैं अभी दिखाती हूँ, अभी दिखा रही हूँ। ये देखो ये प्याज का छिलका है, इसको मैं पानी में भिगो दूंगी। ये इतना छिलका मैं 10 लीटर पानी में भिगोऊंगी। अब भिगो के 10 दिन के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी। 10 दिन के बाद में इसमें लहसुन और प्याज का छिलका है, 10 दिन के बाद छान के फिर फ्रेंड्स मैं इसके अंदर डालूंगी, इस घिया के अंदर यानी लौकी के अंदर, कद्दू के अंदर। तो कोई कद्दू बोलता है, कोई लौकी बोलता है, कोई घिया बोलता है, हम घिया बोलते हैं। तो जब हम इसके अंदर डाल देंगे तो इससे गर्माहट मिलेगा और खूब सारा हमारा घिया जो है आ जाएगा। ये घिया बढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी अभी बढ़ जाएगा। इसको देखना आप 5-6 दिन के बाद कितने बड़े बड़े हो जाएंगे। तो मैं तो इसको तोड़ लूँगी, मैं इसको हार्वेस्ट कर लूँगी बनाने के लिए। सब्जी नन्हू सा है अभी, ये बिल्कुल छोटू सा है। जैसे बच्चे अच्छे लगते हैं ना छोटे, उसी तरीके से ये भी बड़े प्यारे लगते हैं। तो आप भी इस तरह लगाओ, और अगर आपके घिया में लौकी में इस तरीके का है तो आप समझ जाओ कि उसमें फल नहीं आएगा। मैं पूरी जानकारी देती हूँ, उसमें फल नहीं आएगा। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, सरसों लगा दो थोड़ा सा किसी गमले में, अगर गमला भी नहीं है आपके पास तो बोरी में लगा दो, कट्टे में लगा दो, या जमीन में पिन्नी बिछा के और उसके ऊपर मिट्टी डाल के और फिर सरसों लगा दो, ढेर सारे फूल आ जाएंगे। तो उसके बाद देखना आपकी लौकी आ जाएगी। अब देखो कितनी लौकी है, देखो एक, ये दूसरा है दो, ये तीसरा है तीन, तीन हो गया एक, देखो ये है चार, चार हो गया, ये देखो पांच, और ये देखो छः, छः तो हमें दिख ही रहा है। अभी इसमें छुपे होंगे तो कुछ कह नहीं सकती मैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक एक पौधों को काफ़ी देर तक देखूं। बहुत सारे पौधे हैं
तो सबका देखभाल मुझे करना पड़ता है। तो जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं वैसे वैसे देखती हूँ। और एक चीज और है, हमारे पौधों में आप कभी भी देखना कीड़े मकोड़े लगे हुए नहीं मिलेंगे, सारे पौधे मेरे साफ मिलेंगे। ये देखो सब पौधे साफ सुथरे हैं एकदम। ये देखो अभी कली से भरा हुआ है गुलदाउदी, ढेर सारा फूल इसमें आएगा। अभी बहुत सारे हैं मेरे पास गुलदाउदी, और इनमें तो देखो फूल आ रहे हैं। देखो कितना अच्छा हो रहा है ना ये देखो, ये देखो। अब देखो मैं फर्क बताती हूँ आपको, मैं बताती रहती हूँ ना कि मिट्टी के गमले में और सीमेंट के गमले में या प्लास्टिक के गमले में क्या फर्क है। तो देखो फर्क ये है, आप देखो इसमें सही से नहीं पौधा लगा हुआ उतना अच्छा, इसमें देखो कितना अच्छा लगा क्योंकि ये मिट्टी का है, और इसमें देखो इसमें बिल्कुल सही से नहीं आ रहा है। आप खुद फर्क देखो, एक साथ के लगे हुए हैं तो ऐसे ही फ्लावरिंग आना चाहिए ना, तो इतना अच्छा इसमें और इसमें नहीं आ रहा है। तो अगर आपका छत मजबूत है तो आप मिट्टी का गमला इस्तेमाल करो, और अगर छत मजबूत नहीं है तो आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करो, नहीं तो छत गिर जाएगा क्योंकि वजन ज़्यादा हो जाएगा। शौक हमारा ऐसा है कि हम बहुत सारे पौधे लगा लेते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं होता कि कितना लगाना चाहिए, फिर सीलन आके धीरे धीरे छत पे बहुत फर्क पड़ेगा। तो प्लास्टिक का लगाओ, लेकिन प्लास्टिक का लगाओ तो बहुत ध्यान रखो। मिट्टी का लगाओगे तो बस आप 2 दिन भूल भी जाओगे ना तो भी आपका बहुत अच्छा पौधा चलेगा। देखो पानी डालने में भूल जाओगे अगर तो भी अच्छा चलेगा, और इसमें अगर ज्यादा हो गया पानी तो भी पौधा मर जाता है, कम हो गया तो भी। देखो पीले हो रहे हैं पत्ते भी, ये देखो ये गमला खाली नहीं था इस वजह से मैंने इसमें लगा दिया। ये देखो इतने अच्छे नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स हो सके तो मिट्टी के में लगाओ अगर छत आपका मजबूत है तो, नहीं तो फिर प्लास्टिक में लगाओ तो सावधानी से लगाओ। खैर सावधानी से ही मैंने लगाया है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा ये नहीं चल रहा, मेरा मन खुश नहीं हो रहा इस वाले गमले से। इसको मैं और करूंगी अभी कुछ जिससे कि और अच्छा हो जाए। देखो कितना अच्छा हो रहा है ना, पौधे सारे मेरे अच्छे हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स घिया के बारे में आपको समझ में आ ही हो गया होगा, प्याज लहसुन का छिक्कल 20 लीटर पानी में आप थोड़ा सा प्याज लहसुन का छिक्कल डाल दो, और डालने के बाद में हाँ उसमें एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा भी डालना है पानी के अंदर, पुराना गुड़। प्याज लहसुन के छिक्कल में एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा भी डालना है, डाल के 10 दिन के लिए ढक के रख दो। फिर वो पानी छान के आप अपने घिया में डालो लौकी में, और देखना लौकी कितना सारा लगेगा, बहुत सारी लौकी आ जाएगी आपके छत में। आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, अपने घर का ही खाओगे। आप खुद सोचो ना, अब इतने सारे लौकी है मैं कितना खाऊंगी, एक घर एक फैमिली के लिए बहुत है, मेरी छोटी सी तो फैमिली है तो मेरे लिए तो बहुत है। और अगर आपके आपके घर में ज्यादा लोग हैं तो आप 3-4 घिया लगा दो, एक मत लगाओ, 3-4 लगा के छोड़ दो तो आपके ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा लौकी, फिर खूब सारा मतलब कि बनाओ और खाओ। और कल फ्रेंड्स हमारा एक गमला टूट गया था, देखो ये देखो, कल हल्का सा हवा चली ऐसी, इसमें बड़ा खूबसूरत फूल लगा हुआ था और ऐसा हवा चला कि नीचे गिर गया। ये देखो अभी मैं हटाई भी नहीं हूँ और कल टूट गया ये। तो ऐसे ही होता है मिट्टी का, तो बस अच्छा है तो खराब भी है। देखो ये टूट भी गया, ये देखो कितना अच्छा हो रहा है। ग्रोथ हमारे पौधों को आपको बहुत अच्छा मेरे पौधों का मिलेगा क्योंकि मैं कोई फर्टिलाइजर खरीद के नहीं डालती। ये देखो गुलदाउदी कितना खूबसूरत हो रहा है ना, ये देखो फ्लावरिंग कर रहा है। अब इसमें आ जाएगा फूल, अभी 2-3 दिन में ढेर सारा फूल इसमें आ जाएगा, भर जाएगा, बड़ा सुंदर लगेगा। फ्रेंड्स यहाँ से आप देखोगे ना तो बड़ा ही प्यारा लगेगा। ये तो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ रख रखी हूँ, अभी तो दूसरी तरफ मेरे बहुत गुलदाउदी रखे हुए हैं, धूप की वजह से थोड़ी हटा हटा के रखती हूँ मैं। तो देखो ये मेरा लौकी है, तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।